आपके शाम की चाय का मज़ा दुगना करने के लिए आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी और आसान सी रेसिपी लाई हूँ। ये बाइट साइज पनीर टॉट्स इतने टेस्टी हैं कि इन्हें खाने से आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। तो चलिए जल्दी से मेरे चैनल इंडियन फूड मेड इजी को सब्सक्राइब कर ले और हम पनीर टॉट्स बनाना शुरू करते हैं। पनीर टॉट्स बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है 250 ग्राम पनीर, जिसकी मैं मसालों से कोटिंग कर रही हूँ। इसमें डालें 1/4 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और 1/4 चम्मच नमक डालकर इन्हें अच्छे से मिक्स कर दें, ताकि लाल मिर्ची और नमक पनीर के हर पीस पर अच्छे से कोट हो जाए। कोटिंग हो गई है तो अब स्लरी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए एक कटोरी में डालें 2 चम्मच मैदा, 1/4 चम्मच किचन किंग मसाला, 1/4 चम्मच नमक और 1/4 चम्मच काली मिर्ची पाउडर डालकर इन्हें अच्छे से मिक्स कर दें। इसमें भी मैंने थोड़े से मसाले डाले हैं, ताकि पनीर टॉट्स की बाहर की लेयर फीकी न लगे। अब स्लरी तैयार करने के लिए इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएं। स्लरी हमें ना बहुत ज्यादा पतली बनानी है और ना बहुत ज्यादा गाढ़ी। ये देखिए, बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी की स्लरी तैयार करनी है। तो स्लरी बनकर तैयार है। अब इन्हें फ्राई करने से पहले पनीर के पीसेस को अच्छे से कोट करके तैयार कर लें। तो सबसे पहले पनीर के पीसेस को तैयार स्लरी में डिप करें, फिर इन्हें ओट से हर तरफ अच्छे से कोट कर दें। ये देखिए, पनीर का पीस कितना बढ़िया से कोट हो गया है। इसी तरह सभी पीसेस को स्लरी और ओट से कोट करके फ्राई करने के लिए तैयार कर लें। फ्राई करने के लिए एक पैन में थोड़ा ऑयल गरम कर लें। गैस मैंने मीडियम हाई पर सेट की है। जब ऑयल गरम हो जाए, तब इसमें एक एक करके पीसेस डालकर फ्राई कर लें। तकरीबन 1 मिनट एक तरफ से फ्राई करने पर इन्हें पलटकर दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लें। इसी तरह इन्हें बारी बारी उलट पलट कर हर तरफ से अच्छे से फ्राई कर लें। तकरीबन 2.5 से 3 मिनट हर तरफ से फ्राई करने पर पनीर टॉट्स बनकर तैयार हैं। इनका मैक्सिमम ऑयल ड्रेन कर लें और इन्हें अब्सॉर्बिंग पेपर पर निकाल लें, ताकि इनका बचा कुछ ऑयल भी अब्सॉर्ब हो जाए। तो लीजिए, क्रिस्पी पनीर टॉट्स बनकर तैयार है। इन्हें टोमेटो केचप या घर की बनी किसी भी चटनी के साथ सर्व करें। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ऐसे ही और मजेदार रेसिपीज देखने के लिए अभी मेरे चैनल इंडियन फूड मेड इजी को सब्सक्राइब कर लें।